नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर जिले से। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अगर आप भी सागर के बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जी हाँ, क्योंकि 50 दिन से बंद रहे बाजार में अब व्यापारी और दुकानदार दूषित और एक्सपायरी डेट का माल मार्केट में खपाने की फिराक में है। जी हाँ, आपकी छोटी सी चूक आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है। दरअसल सोमवार को जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने जब कटरा बाजार आदि में खाद्य सामग्री को चेक किया तो इसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कटरा बाजार स्थित एक दुकान के बाहर बोरे में रखे नारियल में इल्लियां एवं हाथ ठेले वाले के यहाँ बिक रहे आम में कीड़े बिलबिला रहे थे, जिसे प्रशासन की टीम ने तुरंत ही हिदायत दी है। इतना ही नहीं, प्रशासन की जांच के दौरान कई मिठाइयों की दुकानों पर एक्सपायरी हो चुकी मिठाइयां भी खराब पाई गई हैं जो कि बिक रही हैं। जी हां, दरअसल एक दो दिन के अंतराल से जो ये बारिश हो रही है इसमें कीड़े उल्लियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि बाजार में कोई भी सामान लेने जाएं तो एक्सपायरी डेट जरूर देखें, साथ ही फल आदि चेक करके ही लेवें एवं पूरी जांच पड़ताल करके ही खरीदारी करें, अन्यथा आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है।